हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज के वीडियो में मैं रिव्यू दूंगा केजीएफ चैप्टर टू का केजीएफ चैप्टर वन मैंने थिएटर में देखा था और मुझे पसंद आई थी तभी मैंने डिसाइड किया था कि चैप्टर टू भी मैं थिएटर में ही देखूंगा और आफ्टर वाचिंग ट्रेलर एंड टीजर्स ऑफ द मूवी आई वॉज एक्सपेक्टिंग रियली वेरी हाई फ्रॉम द मूवी एंड गेस वॉट आफ्टर वॉचिंग मूवी इन द थिएटर वॉट वॉज माई रिएक्शन इन वन वर्ड मूवी कैसी थी कहूँ तो मूवी वॉज तूफान मैं आप लोगों को रिव्यू के नाम पे ज़्यादा पकाऊंगा नहीं और इस वीडियो को ज़्यादा खींचूंगा नहीं दिस इज़ गोना बी अ नॉन स्पॉयलर रिव्यू सो आई एम गोइंग टू गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट तो मूवी की सिनेमाटोग्राफी वॉज अ लाइक उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च किया है और वो दिख रहा है ऑन दी कॉस्ट्यूम्स ऑन दी लोकेशंस ऑन एवरी ग्राफिक्स भी मूवी की बहुत ही ज़्यादा डिसेंट थी इट डेंट लुक फेक और मूवी की साउंड ट्रैक के बारे में बात करूँ तो मूवी की साउंड ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग थी बहुत ही अच्छी थी बट इट वॉज टू लाउड फॉर मी इट वॉज लिटिल इंटॉलरेंट वेन इट केम टू अ सर्टन पॉइंट बिकॉज इट वॉज़ हाई वेरी हाई बट इट्स ओके इससे मूवी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मूवी में इतने सारे लोग थे लाइक सो मैनी पीपल बहुत पैसा खर्च हुआ है मूवी में दैट इज़ फॉर श्योर और मूवी में तारीफ़ करने लायक

Everything was really very impressive. As all of you know, Sanjay Dutt playing Adhira in the movie, a villain looking like a Viking. And as I say, Unki performance both Ziada Achithi, the best villain in the movie. He was scary, he was strong, and he was very mean. Didn't disappoint as a villain. मूवी में है रवीना टंडन प्लेइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और खड़ूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है इस मूवी में ऐसा कोई भी एक्टर मुझे नहीं दिखा जिन्होंने रोल अच्छे से प्ले नहीं किया है श्रीनिधि शेट्टी कंटिन्यूइंग हर रोल एज हीरोइन इन द मूवी तो मूवी में ज़्यादा रोमांस तो नहीं है बट स्टिल दे शोड हर एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर विदाउट शोइंग मच ऑफ द रोमांस एंड आई अप्रिशिएट दैट इट रियली वर्क आई लाइक द वे दे शो दैट मूवी में प्रकाश राज है एंड ऐसा कोई भी मूवी नहीं है जहाँ पर प्रकाश राज को क्रिटिसाइज़ किया गया हो फॉर हीज मूवीज़ और फॉर हीज़ एक्टिंग परफॉर्मेंसेज तो इस मूवी में भी ही डीन डिसअपॉइंट मूवी में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है सॉरी आई डोंट नो ऑल द नेम्स ऑफ दोज कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स तो आई वुड से दैट मूवी में जब भी साइड एक्टर्स को देखा जाता है दे टू हैड वेरी गुड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स तो मूवी में एक्टिंग को लेकर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं है चाय वाले बच्चे से लेके पेट वाले पुलिस ऑफिसर तक एवरी एक्टर प्लेड हिज रोल वेरी वेल इन द मूवी मूवी की डायरेक्शन वॉज ठीक ठाक मतलब मूवी में थोड़े पॉइंट्स है जहाँ पर इमोशंस को ओवर दिखाया गया है एम नॉट टॉकिंग अबाउट यश एंड इज मदर्स इमोशंस इन द मूवी बट जब यश को वो लोग भगवान बुलाते देन आई थॉट डेट ये नहीं करना चाहिए था लाइक नो मैन शुड बी कॉल्ड एज भगवान इवन इन मूवीज और इन एनी स्टोरीज ही मे बी सेवियर बट स्टिल उतना मुझे वो पसंद नहीं आया बट अलास्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग थिंग वॉज गुड इन द मूवी इंडिया में बहुत सारी गैंगस्टर मूवीज बनी हैं सो वॉट मेक्स के जी एफ चैप्टर टू डिफरेंट फ्रॉम द ऑल। तो द आंसर इज इट्स डायरेक्शन इट्स एक्टिंग परफॉर्मेंसेज इट्स ओवरऑल एग्जीक्यूशन तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है फ्राम ऑल द टिपिकल गैंगस्टर मूवीज़ क्योंकि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा हाई लग रही थी और इस मूवी की जो स्क्रिप्ट है इट वाज़ वेल रिटर्न एंड कैरेक्टर्स सबको टाइम लेकर लिखा गया है एवरी डिटेल ऑफ़ द कैरेक्टर हैड बीन शोन इन अ वेरी गुड मैनर तो ये मूवी वाज़ पैशनेट तो के जी एफ चैप्टर टू क्राइम मूवी लवर्स को पसंद आएगी, एक्शन मूवी लवर्स को भी पसंद आएगी और मेरे जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो ये मूवी उन लोगों को पसंद नहीं आएगी जो ज़्यादा हॉलीवुड कंटेंट देखते हैं बिकॉज इस मूवी की साउंड ट्रैक हाई है एंड दे मे नॉट लाइक इट और यह साउथ इंडियन मूवी और साउथ इंडियन मूवीज़ में वन हीरो बीटिंग सो मेनी पीपल दिखाया जाता है विदाउट हैविंग एनी स्क्रैच ऑन हिमसेल्फ तो इस मूवी में भी कुछ सीन ऐसा ही है आई लव इट बट सम पीपल में नॉट लाइक इट नो बिकॉज आई सेट कि साउथ इंडियन मूवीज़ में एक्शन ऐसे दिखाया जाता है डोंट गेट ऑफ एंडेड क्योंकि बॉलीवुड अच्छा एक्शन दिखा के भी कुछ उखाड़ नहीं सकता यू कैन सी अटैक डिजास्टर हो गई है बॉक्स ऑफिस पे सो यू शुड गो फॉर के जी एफ चैप्टर टू इन द थिएटर्स विद य फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर आपको स्कूल है कॉलेज है तो आपको बंक मार के मूवी देखनी चाहिए कभी कभी बंक मार के भी मूवीज देखा करो मूवी की एंडिंग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही ज़बरदस्त है मैं आपको स्पॉयलर नहीं दूंगा और प्लीज़ मूवी ख़त्म होने के बाद उठ कर चले मत जाना मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है वॉच इट एंड देन यू कैन गो अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक अ गुड कॉमेंट और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद नहीं आया तो लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक अ गुड कॉमेंट थैंक यू